हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोबारा स्वागत है आपका हमारी हयात के वर्चुअल यूट्यूब प्रोग्राम पर। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी जो 12th की वीडियोस कंटिन्यू हो रही हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में अभी हम आपके सामने फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, जहाँ पे हमने अब तक पढ़ा जनरल लाइफ स्पैन के बारे में। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन को इन जनरल जाना क्या होता है, रिप्रोडक्शन के फिर हमने टाइप और उसमें डिफरेंस देखे। हमने पता लगा कि रिप्रोडक्शन दो तरह का मेनली है, इस चीज़ पर डिपेंड करते हुए कि कितने पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, यूनिपेरेंटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम टाइप स्टडी पर आ गए और हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया। एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है उसके हमने टाइप्स देखे। फिलहाल अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकेंड हाफ पोर्शन रहता है, क्योंकि इसे दो पोर्शन में पढ़ते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स हमारा लास्ट वीडियो में पूरा हुआ था और अभी हम स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताते हैं। पहली बात ये समझने वाली है कि प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को यहां पर मेंशन करेंगे। इन प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ टर्म्स हमारी यूज होती हैं। मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट है, इस प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट से कोई हिस्सा प्लक ऑफ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट स्प्लिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल लीफ या कुछ भी, और वो स्प्लिट होके ग्राउंड पे फॉल ऑफ होगा। यहां इसे जर्मिनेशन का मौका मिलेगा और जर्मिनेशन के बाद यहां से एक नया प्लांट डेवलप होना स्टार्ट होगा। ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्लांट की मेन बॉडी यानी वेजिटेटिव बॉडी का पार्ट डिटैच होकर के नया प्लांट बनाने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए इस रिप्रोडक्शन को यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट्स के लिए स्पेसिफिक नाम हम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। मतलब कि प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट बॉडी से डिटैच होगा और वो सॉइल में जर्मिनेट करके नई प्लांट बॉडी को डेवलप करेगा। इसलिए यहाँ हम आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमने ये टर्म वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यूज किया। ऑलराइट, यहाँ अब एक चीज और मेंशन करने वाली है जो जरूर बता दें कि यहाँ पर प्लांट का कौन सा पार्ट डिटैच होगा। अब देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि प्लांट्स के किसी पार्ट से नए प्लांट का बनना, ये प्रॉपर्टी एक टॉटिपोटेंसी है। और टॉटिपोटेंसी के जो फीचर है वैसे तो सारे प्लांट्स के ऑलमोस्ट हर पार्ट में रहता है, लेकिन जो मेन पार्ट है जिसमें टॉटिपोटेंसी की प्रॉपर्टी होती है वो है बड्स। तो बस अब आप याद रखिएगा, प्लांट का वो पार्ट जिसके पास बड हो, विच कंटेनिंग बड्स, इवन एक सिंगल बर्ड भी अगर उसके पास है और वो प्लांट का पार्ट सॉइल में जाता है तो उससे भी एक नया प्लांट जर्मिनेट हो सकता है। शर्त यह है कि जो भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट डिटैच हुआ है उसमें एटलीस्ट एक बर्ड होनी जरूरी है, क्योंकि जर्मिनेशन किसका होगा, उसी बर्ड का होगा। अब चलिए देखते हैं ये बर्ड फिर कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है। बेटा ये बर्ड लीफ पे प्रेजेंट हो सकती है, लीफ पे बर्ड होगी, लीफ डिटैच करेगी, उससे बर्ड जर्मिनेशन के साथ नया प्लांट बनेगा। हम एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, आपको डायग्राम भी दिखाएंगे कौन से प्लांट्स में ऐसा होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेम में ऐसा रहेगा और स्टेम की अलग अलग वैरायटी होती है, बर्ड्स होंगी, स्टेम का वो पार्ट जिसमें बर्ड या नोड वाला पार्ट होगा
उस क्योंकि नोट पर ही बड होती हैं, वहाँ से नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। प्लांट में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स के साथ स्टेम के अलावा रूट्स के पास बड्स होती हैं, तो रूट्स से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कर सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रक्चर से हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करा सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्लांट के जिस वेजिटेटिव पार्ट से कराया जा रहा है उस पार्ट को हम एक नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल। तो बेटा अभी मैंने जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया इसमें मैंने किस पार्ट को डिटैच करके प्लांट नया प्लांट जर्मिनेट किया है? डायग्राम में जो मेंशन है वो है लीफ। तो इस केस में वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल क्या है? बिल्कुल, लीफ इस केस में वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल है। इसी तरह कुछ प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स होते हैं स्टेम, कुछ में होते हैं रूट्स। उसी का एग्जाम्पल के साथ हमको पूरा डिटेल समझना है कि कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स होते हैं। तो फिलहाल ये पार्ट जो डिटैच होके नया प्लांट जर्मिनेट कर रहा है इसको हम यहाँ एक नाम देंगे, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ठीक है, अब इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के बिहाफ पर, यानी हम कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल यूज कर रहे हैं नया प्लांट बनाने के लिए, और ये नेचुरल हो रहा है या आर्टिफिशियली हो रहा है, इस पूरे बेसिस पर हमने प्लांट्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कितने पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं, कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिर हम उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेटा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक प्रोसेस जो नेचुरली हो रहा है यानी अपने आप हो रहा है, एक प्रोसेस जो मैन मेड है ह्यूमन के थ्रू कराया जा रहा है। इसलिए हम दो कैटेगरी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी नेचुरल आर्टिफिशियल या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, और दूसरी कैटेगरी जो मैनमेड होगी उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो दो कैटेगरी हम इसकी बनाते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब बेटा हमें इनमें डिटेल से अलग अलग पढ़ना है। इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के कितने टाइप्स और मेथड्स आते हैं और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में कितने मेथड्स आते हैं। तो चलिए पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि नेचुरल को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल, यानी किस वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल से नया प्लांट डेवलप हो रहा है। तो अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर समझिएगा, इसके अलग अलग टाइप है, जैसे नंबर वन लीफ, नंबर टू स्टेम। अभी मैं स्टेम से बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि स्टेम के खुद बहुत सारी कैटेगरी है। स्टेम की तीन कैटेगरी मेन होती है, एक स्टेम होता है अंडरग्राउंड स्टेम, एक वैरायटी आती है क्रीपर्स। क्रीपर्स कौन से होते हैं? विच क्रीप ओवर द सॉयल, प्लांट के वो ऐसे प्लांट्स जो स्टेम जो सॉइल के ऊपर क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली ना कंप्लीटली एरियल होते हैं ना कंप्लीटली अंडरग्राउंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं सब एरियल या सब टेरेरियन स्टेम्स, क्रीपर्स। क्रीपर्स के बाद
तीसरी कैटेगरी आती है एरियल। हम जानेंगे इन तीनों में कि अंडरग्राउंड स्टेम्स की बहुत सारी वैरायटी है। अंडरग्राउंड स्टेम्स कौन कौन से होते हैं, क्रीपर्स कौन कौन से हैं, एरियल और एरियल वैरायटी एक ही है। तीसरी थर्ड कैटेगरी है रूट्स। तो रूट्स के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है। तो यहाँ पर हम तीन मेन वैरायटी स्टेम, लीफ, स्टेम, रूट्स। फिर स्टेम की फर्दर तीन वैरायटी आती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स अलग अलग तरीके के होते हैं, क्रीपर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, एरियल स्टेम्स अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद आती हैं रूट्स जिनमें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है। ठीक है, नेचुरल में एक और वैरायटी, एक और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू होता है जिसे हम बोलते हैं बुलबिल्स। ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में एक वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की तरह काम करता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जहां पर बुलबिल्स एक फ्लैशी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड होती है, जानते हैं हम एक्सिल पे बर्ड प्रेजेंट होती हैं लीफ के, तो जहां पर बुलबिल्स मिलती हैं वहां एक्सिलरी बर्ड को रिप्लेस करके कुछ स्पेशल फ्लैशी मांसल बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, उन बर्ड्स को हम बोलते हैं बुलबिल्स। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगेव, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वन बाय वन जब डिटेल पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की ये कैटेगरीज हो गई। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हमने बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं डिस्कस करनी है, कुछ लिमिटेड वैरायटीज हैं जो हमें यहाँ पर हमको डिस्कस करना है। नंबर वन, इसमें एक तरीका जो सबसे पुराना चलता चला आ रहा है वो है कटिंग। मुझे पता है आप सब लोग गार्डनिंग के शौकीन होंगे, और ज़रूर हमारे बचपन में, अगर हम नहीं है तो घर का एक मेंबर तो एटलीस्ट है ही जो गार्डनिंग से लगा है, या कहीं ना कहीं हमने गार्डनिंग का शौक रखा है। तो हमारे घर में जब गार्डनिंग होती है तो कटिंग, हमें किसी के घर में रोज़ बहुत पसंद आ रहे होते हैं तो हम उसको पूरा का पूरा, उसकी पौध ना खरीद करके, उसके प्लांटलेट ना ला करके, हम क्या कहते हैं पड़ोसी से, अंकल से या आंटी से, हम ये उनके लिए इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अंकल या आंटी प्लीज़ हमें उसकी एक कटिंग दे दीजिए, तो वो ईजिली आपको कटिंग दे भी देते हैं, और वो कटिंग आप अपने पॉट्स में लगाते हैं, उसे ग्रो कराते हैं, और उसी कटिंग से आपका एक नया रोज़ प्लांट डेवलप हो जाता है। कटिंग जनरली हमें बचपन से जो पढ़ाया गया है तो हमें ये लगता है कि शायद कटिंग रोज़ की ही होती होगी। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको कटिंग के थ्रू ग्रो कराया जाता है, लेकिन हाँ उनमें सबसे पॉपुलर जो हमारे घरों में कटिंग्स जो हम बचपन से अपने चलते चले आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो रोज़ की कटिंग है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कटिंग्स किसकी होगी, बट यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कटिंग किस पार्ट की हो रही है। कटिंग अगेन तीन जगह से हम कटिंग ले सकते हैं, डिपेंड करता है बर्ड्स कहाँ पर प्रेजेंट है। बेटा कटिंग लीफ की भी ली जा सकती है जिस पे बर्ड्स होती हैं, कटिंग रूट की भी ली जा सकती है, और कटिंग स्टेम की भी ली जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि कटिंग्स में हम किस प्लांट के किस पार्ट की कटिंग्स ले रहे हैं, लीफ कटिंग्स, रूट कटिंग्स, स्टेम कटिंग्स। अभी तीनों को एग्जाम्पल के साथ हमको पढ़ना है, अभी डिटेल नहीं पढ़ा। कटिंग के अलावा एक दूसरा तरीका होता है लेयरिंग। आजकल जो मॉडर्न गार्डनिंग के मेथड्स हैं उसमें हॉर्टिकल्चर साइंस आज का एक बड़ा इमर्जिंग साइंस है, जहाँ पर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करा रहे हैं, उनके उनके इम्प्रूवमेंट के लिए जितनी टेक्निक्स और साइंस हम यूज़ करते हैं वो सब साइंस इसी ब्रांच के अंदर आती है, इसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर साइंस। तो हॉर्टिकल्चर में आजकल लेयरिंग का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, एक छोटे समय में एक लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप डेवलप कराने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, नंबर इम्प्रूवमेंट के लिए हम लेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स की लेयरिंग की जाती है, लेयरिंग का मेथड्स भी हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो अभी तो हम जनरली इन जनरल जान रहे हैं कि कैटेगरी कौन कौन सी है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो लेयरिंग को भी पढ़ेंगे। लेयरिंग के अलावा तीसरा मेथड हम यहाँ पर देखेंगे, एक मेथड है ग्राफ्टिंग। बेटा मॉडर्न हॉर्टिकल्चर में ग्राफ्टिंग का भी बड़ा इस्तेमाल होता है, इसमें हम दो प्लांट की अलग अलग वैरायटी को पार्ट को हम क्या करते हैं ग्राफ्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट पार्ट लिया, दूसरा प्लांट पार्ट लिया, एक प्लांट जिसके हमने रूट लेते हैं, दूसरा जिसके साथ हमने शूट लेना है। तो रूट वाला पार्ट जो कहलाता है, जिसका हमने रूट लिया है उसे बोलते हैं स्टॉक, और जिसका हमने शूट फिट करना है उसको बोलते हैं श्योन।
तो रू तो उसमें स्टॉक और शियोन कॉम्बिनेशन रखना है। याद रखिएगा स्टॉक कौन सा है, रूट कंटेनिंग पार्ट, जिस पार्ट का आप रूट ले रहे हो वो है स्टॉक, और जिसका शूट आप उसमें फिट कर रहे हो वो है शियोन। तो स्टॉक एंड शियोन कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसको हम टाइड अप कर देते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा सा कॉटन या मॉस लगा देते हैं जिससे मॉइस्चर रहे वहाँ पर, उसके साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स हम लगाते हैं जिससे कि वहाँ पर प्रॉपर रूटिंग होनी शुरू हो जाए, वुंड हीलिंग हो जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ ही दिनों के बाद एक कंबाइंड प्लांट हमें मिलता है, उस प्लांट में दोनों प्लांट से अलग अलग ब्रांचेज आती हैं और कंबाइंड फ्रूट्स की हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस प्लांट से कंबाइंड फीचर वाले फ्रूट डेवलप होते हैं। जो ब्रांच ऊपर लगाई थी उससे उसके फ्रूट्स डेवलप होंगे, जो नीचे स्टॉक जिसका लिया था उससे उसके। तो एक ही प्लांट से दो अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स को डेवलप कराने का ये एक बड़ा सुपीरियर मेथड है। उसके बाद हम एक चौथे मेथड पर आते हैं, और आज के टाइम में इससे एडवांस टेक्निक अब तक नहीं आई है, ये सबसे एडवांस टेक्निक है आर्टिफिशियल वैरायटी में। हॉर्टिकल्चर साइंस में इम्प्रूव करने के लिए इस साइंस का आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये है माइक्रो प्रोपिगेशन। तो इस तरह हमारे सामने है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के टाइप्स, हमने इसको दो कैटेगरी में कॉल किया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नेचुरल के हमने टाइप बनाए डिपेंड करते हैं इस बात के ऊपर कि कौन सा वेजिटेटिव प्रोपिग्योल यूज़ किया जा रहा है, या नॉर्मली कौन सा वेजिटेटिव प्रोपिग्योल पार्टिसिपेट कर रहा है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, लीव, स्टेम, रूट्स, बुलबुल्स। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के फोर मेथड हमको पता लगते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपिगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के साथ। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे लीफ। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि बोर्ड में क्वेश्चन क्या है, ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन का नहीं है, पहले भी आपको बता चुका हूँ एक बार, ये पूरा का पूरा चैप्टर वन मार्क क्वेश्चन का पूरा ये चैप्टर है। इसमें ज़्यादातर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक नंबर की जो इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो इसमें आपसे सिंपली पूछा जाएगा लीफ प्रोपिगेटेड प्लांट, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है, आपको नहीं बताना पूरी कहानी कि लीफ डिटैच होती है, ये होता, सबको पता है, कॉमन बात है, बचपन से पढ़ रहे हैं। हमारे लिए 12th स्टैंडर्ड पे क्या ज़रूरी है, इस स्टैंडर्ड पे हमें ये ज़रूरी है कि हमसे क्वेश्चन से भी ये पूछा जाएगा कि नेचुरली लीफ में, लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किस प्लांट में होता है। सीधा आंसर आपको यहाँ याद रखना है, लीफ के थ्रू यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है वो है ब्रायोफिल्म। इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे हम इसे बोलते हैं अजूबा का पेड़, अजूबा ट्री, और हमारे हमारे इलाकों में, हमारे एरियाज में इसे हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। और ये मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर ये ना मिलता हो, बिल्कुल ये एक तरह का सक्यूलेंट प्लांट है, बड़ी मानसन लीव्स होती हैं, बड़ी ब्यूटीफुल डिजाइनिंग होती हैं किनारों पर, जैसे कट्स इंसाइज होती है लीव, बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से इंसाइज होती है, अभी डायग्राम के साथ आपको दिखाई जाएगी। एक और प्लांट होता है कैलिंको, एक प्लांट है बिग्नोनिया, एटसेट्रा। इन प्लांट्स के अंदर लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है। कारण क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों होता है, क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर लीफ के मार्जिन्स पर होती हैं बर्ड्स, और वो बर्ड्स स्प्राउट कर करके रूट्स में डेवलप हो जाते हैं। तो इनके पास क्योंकि लीफ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं जो बाद में रूट्स में डेवलप हो जाती हैं, और वही लीफ
विद रूट्स या एडवेंटिशियस बर्ड्स जब ग्राउंड पर फॉल करती हैं तो मिक्स सॉइल के साथ डेवलपमेंट के दौरान ये एक नया प्लांट डेवलप करती है। तो यहाँ पर इस प्लांट के साथ कुछ इस तरह की कंडीशन है, ये इस तरह की इस प्लांट की लीफ होती हैं, मार्जिन्स हैं यहाँ पर, और इस प्लांट के मार्जिन्स पर यहाँ पर बर्ड्स हैं और उन बर्ड्स में इस तरह की हमें रूटिंग दिखाई देती है। और जब ये लीफ विद वेल डेवलप्ड एडवेंटिशियस रूट्स ग्राउंड पर गिरती है, सॉइल के साथ मिक्स होकर के इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और इसी से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। कमाल की बात ये है कि जितनी इसे रूट बर्ड्स मिलेंगी उतना प्लांट डेवलप होंगे, क्योंकि हर एक बर्ड या रूट एक नए प्लांट में डेवलप होती है। ठीक है, इसको अभी हम डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। चलिए जानते हैं कि अब तक हमने इस प्लांट के बारे में, जो हमने लीफ के थ्रू ब्रायोफिल्म की बात कर रहे हैं, लास्ट में हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं उसके थ्रू हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। नंबर टू, सेकंड नंबर पे हम आते हैं। दूसरे नंबर पे जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है वो है स्टेम। अब बेटा स्टेम्स की तीन कैटेगरी है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर स्टेम्स की तीन कैटेगरी है, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम। इसके अलावा दूसरी वैरायटी आती है अंडरग्राउंड स्टेम के अलावा, क्रीपर्स, जिसको हम एपिटेरेरियन या सबटेरेरियन भी बोलते हैं। सी तीसरी कैटेगरी आती है एरियल, एरियल स्टेम्स। यहां पर क्रीपर्स की वैरायटी है, अंडरग्राउंड की बहुत वैरायटी, एरियल की बहुत ज्यादा वैरायटीज नहीं है। तो हम जब वन बाय वन इन तीन कैटेगरी को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि अंडरग्राउंड स्टेम्स की बहुत सारी वैरायटी हैं। अब अंडरग्राउंड स्टेम्स की कौन सी वैरायटीज होती हैं मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। आप सब 11th पढ़ के आ रहे हैं, 11th का चैप्टर नंबर 5th, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, याद आ रहा है आप सभी को? तो वहाँ आपने जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा होगा तो वहाँ आपने स्टेम के मॉडिफिकेशंस भी पढ़े होंगे और उसमें आपने अंडरग्राउंड स्टेम्स के कई सारे मॉडिफिकेशन पढ़े होंगे। वही मॉडिफिकेशन मैं आपको यहाँ याद दिलाने वाला हूँ। तो बताता हूँ अंडरग्राउंड स्टेम्स की कौन कौन सी वैरायटी है जो एज वेजिटेटिव प्रोपेगुल काम करती है और उससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी वैरायटीज हैं यहाँ पर। अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे कॉमन अगर हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में, हम सबसे पहले बात करेंगे ट्यूबर्स की, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे राइजोम की, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सकर्स। ये तीन कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है जो अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे इंपॉर्टेंट रखी है, ट्यूबर्स, राइजोम एंड सकर्स। एग्जाम्पल के साथ अभी हम अलग पढ़ेंगे, फिर हम क्रीपर्स की बात करते हैं। क्रीपर्स में हमारे पास दो बड़ी वैरायटी आती है। क्रीपर में हमारे पास एक वैरायटी आती है रनर, जो सबसे कॉमन क्रीपर होता है, रनर्स, और दूसरी वैरायटी आती है ऑफसेट। एग्जाम्पल के साथ अभी हम इनको जानेंगे। एरियल स्टेम्स की कोई वैरायटी नहीं है, सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ।
बहुत सारे मांसल प्लांट्स होते हैं, हम बोलते हैं फ्लैशी प्लांट, या हम सक्यूलेंट्स भी बोलते हैं इनको। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जैसे बहुत सारे कैक्टस प्लांट हैं, एक बहुत कॉमन कैक्टस का नाम बताएं आपको, ओपुंचिया, जिसको नागफनी कहा जाता है या इंग्लिश में प्रिकली पेयर बोलते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जैसे ओपुंचिया, उसका एरियल प्लांट ही क्या करता है, डिटैच होता है, टूटता है, ग्राउंड पे गिरता है, और उसके जर्मिनेशन के बाद उसी से एक नया कैक्टस प्लांट डेवलप हो जाता है। तो एरियल प्लांट पार्ट से क्योंकि डेवलप हुआ है तो वो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ओपुंचिया है। यहाँ पर अभी हमने समझना है इनको, ट्यूबर्स को, राइजोम सकर जो कि अंडरग्राउंड स्टेम कैटेगरी में आते हैं, क्रीपर्स में आता है रनर ऑफसेट, इसको हमें समझना है, और एरियल स्टेम्स कैटेगरी को हमें समझना है। तो चलिए काम करते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं, और अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले आता है ट्यूबर, इसी को समझना है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ट्यूबर से कैसे मॉडिफिकेशन होता है, कैसे नहीं, किसका मॉडिफिकेशन होता है, आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाने वाले हैं। बोर्ड में आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, बोर्ड में आपको यही क्वेश्चन बनेगा कि ट्यूबर के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है किस प्लांट में होगा, राइजोम्स के थ्रू किस प्लांट में होगा, सकर्स के थ्रू किस प्लांट में होगा। चलिए ट्यूबर्स की बात कर लेते हैं। तो ट्यूबर्स का एक बड़ा ही क्लासिकल एग्जाम्पल है पोटैटो ट्यूबर, क्योंकि पोटैटो ट्यूबर सिंपली आप पोटैटो भी बोल सकते हैं, पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर में हम आपको ये बात बताते हैं, जब आप एक पोटैटो देखते हो तो आपको इस तरह के कुछ गड्ढे से नज़र आते हैं, कुछ ट्रेंचेस से नज़र आती हैं, हल्की हल्की उनके डिप्रेशन से नज़र आते हैं। एक्चुअल में ये एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है और बहुत कंडेंस्ड स्टेम है। और स्टेम की क्या प्रॉपर्टी होती है, आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, स्टेम की प्रॉपर्टी होती है प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये यूनिक प्रॉपर्टी है, याद रखना बच्चों, स्टेम की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो बेटा अगर ये स्टेम है तो इस पर कहीं ना कहीं नोड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इस पर नोड्स होने चाहिए। तो इस पर जो ये जो आपको आईज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जनरल हम ये बोलते हैं पोटैटो आईज, क्या बोलते हैं इनको, पोटैटो आईज। So these are potato eyes. Question ये है कि ये potato eyes किसको represent करती हैं? यही जो अभी हम question चल रहा था हमारा, उसका answer यही है कि अगर कोई stem है तो उस पर क्या होने चाहिए, nodes। तो बेटा किसी potato के ऊपर जो eyes हैं ये represent करती हैं nodes को। Potato eyes represent, ये इसके नोड्स। और आपने देखा होगा जब कोई पोटैटो स्प्राउटिंग करता है, जर्मिनेशन इसमें होना शुरू हो जाता है, तो यहीं से बड्स डेवलप होती है, और इसी बड से ही फिर क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। क्या कभी आपने अपनी किचन में या जहां पर भी आपका स्टोर हाउस है, जहां पर आपने पुराने पोटैटोज को स्टोर कर रखा हो, कभी आपने ऐसी स्प्राउटिंग देखी है? अगर नहीं देखी तो अभी आपको डायग्राम में आपको दिखाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। तो ये पोटैटो आइज है, और आइज किसको रिप्रेजेंट करती है, नोड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो पोटैटो ट्यूबर, ट्यूबर्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ट्यूब पोटैटो में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पोटैटो अच्छे से याद रखिएगा, ट्यूबर्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पोटैटो में होता है। एक नोट पॉइंट एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, याद रखिएगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको सीड्स के थ्रू प्रोपिगेट नहीं किया, तो ऑप्शन नहीं उनका सीड का, याद रखिएगा। उन प्लांट्स में से पोटैटो भी है और एक शुगर केन भी है। पूरी दुनिया में इन दो प्लांट्स को सीड से प्रोपिगेट नहीं किया जाता, पूरी दुनिया में पोटैटो को ट्यूबर के थ्रू और शुगर केन को स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपिगेट किया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा इस बात में। सारे हमारे जो एग्रीकल्चर क्रॉपलैंड्स हैं, जनरली हम क्या करते हैं, आप कभी किसी फार्मर से बात करेंगे तो वो कहता है कि हम बीज खरीद के लाए हैं, सीड्स लाए हैं। होता ही यही है कि सीड्स के थ्रू ही कल्टीवेशन किया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर दो प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, हालांकि सीड प्लांट्स हैं। पूरी दुनिया में सीड्स के थ्रू इन्हें प्रोपिगेट नहीं किया जाता, इनका कल्टीवेशन वेजिटेटिवली किया जाता है। उसमें दो एग्जाम्पल, एक पोटैटो और एक शुगर केन। पोटैटो को वर्ल्ड वाइड प्रोपिगेट किसके थ्रू किया जाता है, ट्यूबर्स के थ्रू, और शुगर केन को वर्ल्ड वाइड प्रोपिगेट किया जाता है स्टेम कटिंग के थ्रू, सीड्स के थ्रू इनका कल्टिवेशन नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा।
ट्यूबर के बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम। राइजोम में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। राइजोम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिंजर। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने डायग्राम भी दिया है आपको। अभी मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बोर्ड में, ना सिर्फ बोर्ड में बल्कि नीट में भी आते हैं, वो समझेंगे। तो जिंजर राइजोम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी कोट करती है वो है बनाना। बनाना के अलावा राइजोम आपको लोटस में भी मिलता है। और आपने टर्मेरिक का नाम सुना होगा, टर्मेरिक भी राइजोम के थ्रू ग्रो होती है। बल्कि जो टर्मेरिक का पार्ट हम पाउडर बना के खाते हैं वो राइजोम ही, उसको सुखा लिया जाता है और फिर उसको हम ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, तो वो राइजोम ही होता है। तो राइजोम के दो पॉपुलर एग्जाम्पल जिंजर, बनाना, लोटस भी इस कैटेगरी में आता है। राइजोम के बाद हम तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, सकर्स। सकर्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे। सकर का एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम मैं जानता हूं कुछ नाम बॉटनी लेवल पर या बायोलॉजी लेवल पर आपके लिए नए हैं, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं मैक्सिमम बायोलॉजिकल टर्म्स ऐसी हैं जो आप बहुत फैमिलियर हैं उनसे, बहुत जानते हैं, नोन है वो आपको, लेकिन क्योंकि हम उनके लोकल नेम से वाकिफ हैं लेकिन उनके जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो हमें पता नहीं। अभी मैं आपसे कहूँ क्राइसेंथेमम पता है आपको, तो शायद कहोगे सर ये तो नहीं पता है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि गुलदाउदी जानते हो तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर होगा यस, कि हमारे से गार्डन में और हमारे घरों में गमलों में हमने बहुत गुलदाउदी लगाई है और बड़ा अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर आता है और ये सनफ्लावर फैमिली का है, कंपोजिटी फैमिली को बिलोंग करता है। तो क्राइसेंथेमम गुलदाउदी का साइंटिफिक नेम गुलदाउदी, ठीक है। तो क्राइसेंथेमम में सकर के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, मिंट या मेंथा। तो बेटा मिंट और मेंथा में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सकर्स के थ्रू होता है। अब थोड़ा सा सकर्स को समझने की जरूरत है कि सकर्स किस तरीके से ग्रो करते हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चलिए डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि सकर्स है क्या और कैसे काम करते हैं, इससे नया प्लांट कैसे डेवलप होता है। देखो बेटा ये है ग्राउंड लेवल, ये एक प्लांट है, इसका कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड है, ये इसका रूट वाला पार्ट और ये इसके एरियल पार्ट पर लीव्स है। अब ध्यान से देखिएगा इधर क्या हो रहा है। सकर एक अंडरग्राउंड स्टेम की ब्रांच है, ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने आपको, सकर एक अंडरग्राउंड स्टेम की ब्रांच है जो हॉरिजॉन्टली पहले ग्रो करती है, मिट्टी के अंदर अंदर चलती है और फिर एक टाइम के बाद वो ऑब्लिक तिरछी हो जाती है और वो ग्राउंड को पेनिट्रेट करके सॉइल से इमर्ज हो जाती है, बाहर आती है, और जहां वो सॉइल के जैसे बाहर आएगी वहां से एक नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। मैं एक नए कलर का यूज कर रहा हूं यहां पर, होपफुली नजर आ रहा होगा आपको, ये एक ब्रांच निकली अंडरग्राउंड। रूट नहीं समझेंगे इसे आप, रूट नहीं, ये अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट है, जो स्टेम अंडरग्राउंड था वहीं से कुछ पार्ट निकला, पहले तो कुछ देर तक हॉरिजॉन्टल चला और हॉरिजॉन्टल चलने के बाद कुछ टाइम के बाद ये ऑब्लिक होके सॉइल से बाहर की तरफ इमर्ज हो गया और जैसे ही ये बाहर की तरफ आया इससे एक नया प्लांट डेवलप हो गया।
इसी तरह बेटा जब ये बड़ा प्लांट हो जाएगा तो यहां से एक ब्रांच निकलेगी और वो ब्रांच आगे बढ़ेगी। तो इस तरह तो इन प्लांट्स में अगर ऐसा होगा, एक लगा दो तो पूरे में छत्ता बन जाएगा इसका। तो मिंट आपने कभी देखा है लगा हुआ नेचुरल टेरिटरी में, इसके नेचुरल हैबिटेट में? अपने घर में क्या करना, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एक मिंट का मिंटा जो मेंथा है जिसे मिंट बोलते हैं, एक प्लांट अगर आप लगाओगे तो विद इन 6 मंथ या 1 ईयर आपको पूरे एरिया में पूरा मेंथा की पूरा फॉरेस्ट नजर आएगा। तो आपने पेड़ तो एक लगाया था, पूरा कैसे भर गया? और जबकि आप एक प्लांट अगर निकालोगे ना तो आप देखोगे अंदर से सब इंटरकनेक्टेड है। तो क्यों इंटरकनेक्टेड है आपस में वो? क्योंकि वो सकर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? तो ये वो जो ब्रांच हमने आपको दिखाई है यहां पर, इस ब्रांच को हम बोलते हैं सकर। यहां लेबल कर देते हैं इसको, दिस ब्रांच इज कॉल्ड सकर। होपफुली समझ में आ गया होगा सकर के बारे में। सकर के बाद अब हम आ जाते हैं, हमारा अंडरग्राउंड स्टेम का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं बेटा क्रीपर्स, ऐसे स्टेम जो सॉइल के ऊपर क्रीप करते हैं और उनसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। चलिए देखते हैं क्रीपर्स के ऊपर। क्रीपर्स में हमारे पास दो एग्जांपल, दो टाइप आते हैं, रनर्स एंड ऑफसेट। तो चलिए पहले रनर को समझने की कोशिश करते हैं, फिर ऑफसेट को समझने की कोशिश करेंगे। आपको डायग्राम से ही समझाना ज्यादा बेटर होगा। देखिए ये है ग्राउंड या सॉइल लेवल, ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट है। ये एक प्लांट लगा हुआ होगा क्या? ये जो पिंक कलर का आपको स्टेम नजर आ रहा है, बिल्कुल स्टेम की बेस से एक ब्रांच निकलेगी और वो सॉइल के ऊपर क्रीप करती हुई हॉरिजॉन्टल, याद रखिएगा वर्टिकल ग्रो नहीं करेगा ये सॉइल के ऊपर क्रीप करता हुआ हॉरिजॉन्टली चलेगा। देखिए थोड़ा सा मोटा कर देते हैं हम जिससे हाईलाइट हो जाएगा, ये दिख रहा है। अब क्वेश्चन, ये जो ब्रांच ऑरेंज कलर की चल रही है बच्चों, ये क्या है, स्टेम है रूट है? क्या चल रहा है, स्टेम, स्टेम ही तो चल रहा है, स्टेम के मॉडिफिकेशन या स्टेम की तो हम कटिंग बता रहे हैं। स्टेम, ये स्टेम है, आप देखिए पिंक कलर का जो मेन स्टेम है उसी की बेस से ही तो निकला है, ये स्टेम की ही एक ब्रांच है, इसका मतलब स्टेम की ब्रांच स्टेम होगी। तो ये स्टेम है और स्टेम की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेम के पास क्या होते हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स, नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो बेटा जब ये स्टेम की ब्रांच है तो क्या इस पे नोड्स इंटर नोड नहीं होंगे? बिल्कुल इस पे नोड्स और इंटर नोड होंगे। तो होगा क्या, जैसे ही कोई नोड इसे मिलेगा उसी नोड पे ये क्या करेगा, रूटिंग कर देगा। नीचे रूटिंग हो जाएगी, वहां ऊपर एक नया शूट तैयार हो जाएगा, फिर वहां से एक ब्रांच आगे बढ़ेगी, फिर नोड आएगा। जैसे ही नोड आएगा नीचे की तरफ रूट होगी, ऊपर शूट डेवलप हो जाएगा, फिर एक ब्रांच निकलेगी। इस तरह जस्ट लाइक ए वॉकिंग और रनर पैटर्न पर यह पूरी ग्राउंड पे क्या करेगा, चलेगा और प्रोपेगेट होगा, इसलिए इसको बोला गया है रनर। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल समय यहां पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर एक क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है एक नोड। तो नोड आते ही नीचे हो जाएगी रूटिंग, और ऊपर एक लीफी शूट डेवलप हो जाएगा, एक शूट डेवलप हो जाएगा। फिर यहां पर क्या होगा, फिर यहां से एक ब्रांच डेवलप होगी, फिर यहां से एक ब्रांच डेवलप होगी, ब्रांच जैसे डेवलप होगी फिर वैसे नोड मिलेगा, नोड पे आते ही फिर नीचे की तरफ रूटिंग हो जाएगी और ऊपर एक फिर एक लीफी शूट डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह ये पूरे ग्राउंड के ऊपर क्रीप करता हुआ रनिंग करेगा, इसको हम रनर बोलते हैं। यहाँ हमने जो ऑरेंज कलर का ये हमने यूज़ किया है ये, इसको हम बोल रहे हैं रनर। बात समझ में आ रही? तो रनर कुछ इस तरीके से प्रोपेगेट करता है। रनर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वैसे तो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल रनर का है ऑक्सेलस। अब यार ऑक्सेलस
कोई कहे और यूं कहे कि यार हमें ऑक्सैलिस नहीं पता, तो बड़ा अजीब सा लगता है ये सुन के कि इस प्लांट के साथ शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसका बचपन इस प्लांट के साथ ना गुजरा हो। हमें तो लगता नहीं कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने इस प्लांट के साथ उसका चाइल्डहुड ना गुजरा हो। क्यों नहीं गुजरा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ऑक्सैलिस प्लांट क्या है, एक तरह की हर्ब है, बहुत छोटा, ग्राउंड पर कवर करता हुआ जैसे कि घास लगी होती है, इस तरह का प्लांट है। और इसके टेस्ट जो होता है वो बहुत सार होता है, खट्टा टेस्ट में होता है, बड़ा सार टेस्ट में होता है। और आपको इसे खाने पर ऐसा लगेगा जैसे इमली के पत्ते खाए हों आपने, खटास होती है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा होता है। ऑक्सैलिक एसिड, एसिड तो सारे सार होते हैं टेस्ट के अंदर, तो इसीलिए ऑक्सैलिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से इसका नाम भी क्या रखा गया है, ऑक्सैलिस। तो ऑक्सैलिस की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से बहुत खट्टा होता है और इसके खटास की वजह से बच्चे इसे बचपन में बहुत कंज्यूम भी करते हैं, खाते भी हैं। और इसकी स्पेसिफिक लीफ की वजह से आपको अपना बचपना याद आ जाएगा। चलो मैं याद दिलाता हूँ, ये कुछ इस तरह की लीव्स होती है इसकी। Like this. अब मुझे लगता है कि डायग्राम देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये प्लांट कितना कॉमन है और हर घर में, हर किसी के गार्डन में जाके मिल जाएगा, कहीं भी जाके देखेंगे। ठीक है, तो ये प्लांट है ऑक्सैलिस। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रनर के थ्रू होता है। ऑक्सैलिस के अलावा एक और एग्जाम्पल यहां पर हम मेंशन करेंगे, साइनोडोम। साइनोडोम जो कि होती है दूब ग्रास। दूब ग्रास कौन सी है, शायद साइनोडोन भी एक अलग नाम है आपके लिए, दूब ग्रास भी थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। मैं बहुत कॉमन, बहुत आसान करके बता रहा हूँ। कोई भी ग्राउंड देखा है आपने, ग्राउंड पे जहाँ बैठते हो घास होती है, वो घास दूब ग्रास है, साइनोडोन। कभी आप देखना एक साइनोडोन, एक घास को खींचोगे तो कई सारी निकलती चली जाएगी उसके साथ। और कभी चेक करके देखना क्या ऊपर क्रीप करता हुआ कोई नजर आ रहा है, बहुत क्लियर कट अगर रनर देखना है तो साइनोडोन किसी भी घास के मैदान में जाके बैठ जाओ और वहां पर जाके आपको इजीली उसको रनर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो रनर के हैं। रनर के बाद अब हम आ जाते हैं ऑफसेट, जो कि एक और क्रीपर की वैरायटी है। रनर और ऑफसेट में क्या फर्क है, सिर्फ इतना सा फर्क है, रनर में नोड्स और इंटर नोड्स का नंबर फिक्स नहीं होता। कितने भी रनर में नोड्स और इंटर नोड्स हो सकते हैं, बट ऑफसेट एक ऐसा रनर है जिसमें दो नोड्स और एक इंटर नोड होता है। क्या बताया हमने आपको, ऑफसेट एक ऐसा रनर है जिसमें टू नोड्स और वन इंटर नोड होता है। आपको बता दें कुछ इस तरह की कंडीशन इस प्लांट की होती है। ये ऑफसेट, यहां पर एक नोड, यहां पर एक नोड, इस नोड पे नीचे की तरफ बेटा रूट्स का पूरा एक टफ्ट मिलेगा, रूट का क्लस्टर मिलेगा, ऐसे यहां भी रूट का क्लस्टर मिलेगा। ठीक है, अच्छा नीचे रूट का क्लस्टर है, ऊपर क्या है, ऊपर लीव्स का पूरा एक टफ्ट, पूरा जाल नेटवर्क है लीव्स का। बड़ी फ्लैशी और बड़ी अपीलिंग लीव्स होती हैं प्लांट्स में, जिसका मैं एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा। कुछ इस तरह की लीव्स की वैरायटी होती है। इस तरह लीव्स का ऊपर एक नेटवर्क होता है। इस तरह लीव्स का पूरा एक नेटवर्क होता है। तो बेटा ये एक बड़ा कॉमन ऑफसेट का एग्जांपल आपको बताया है। डायग्राम देख के शायद कुछ समझ में आ भी रहा होगा, नहीं आ रहा तो अभी समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो पिंक कलर की ब्रांच मैंने दिखाई, दिस इज ऑफसेट, बिल्कुल वही है। नोट्स पर नीचे रूटिंग, ऊपर शूट, यानी लीव्स के लीफी शूट होता है। बट फर्क कितना है, जब आप रनर की बात करते हो तो वहां पर नोड्स इंटर नोड्स काउंटेबल या फिक्स नहीं होते हैं, जबकि जब आप बात करते हो ऑफसेट की, यहां फिक्स नंबर ऑफ नोड्स और इंटर नोड, कितने नोड्स, टू नोड्स एंड वन इंटर नोड, ये ऑफसेट। और ऑफसेट की अब एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। ऑफसेट की सबसे पॉपुलर एग्जांपल हम आपको बताएंगे। ऑफसेट का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वाटर हाइसेंथ। इस प्लांट के बारे में मैं क्या बताऊं आपको,
ट्वेल्थ की ये बिगनिंग है ना आपकी, पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, ये प्लांट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा टिल लास्ट चैप्टर इकोलॉजी तक। हर बार ये प्लांट की कई बार नाम आएगा, मैं पहले बता दूं आपको, ट्वेल्थ की लास्ट चैप्टर तक ये नाम आपके सामने आएगा, पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक। और ये बड़ा ही कमाल का प्लांट है और हमारे आसपास वाटर बॉडीज पे देखने को मिलता है, और दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड है। वीड जानते हो ना, अनवांटेड प्लांट्स। और कमाल की बात है, इंडिया में इसको जो लाया गया था वो वीड के तौर पे नहीं लाया गया था, इसके बहुत अपीलिंग और फैसिनेटिंग फ्लावर्स और इसकी ब्यूटीफुल लीव्स की वजह से यहाँ लाया गया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसकी बहुत फास्ट रिप्रोडक्टिंग कैपेसिटी इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसे हम आम भाषा में, जो हमारे आसपास के लोग हैं, सोख समुंदर या समुंदर सोख के नाम से जानते हैं। रुड़की में जो लोग रहते हैं, बहुत आराम से बता दूं आपको, गंग कैनाल दो हैं, एक नई वाली एक पुरानी वाली। तो जो कलियर साइड में आप जाएंगे, पुरानी वाली गंग कैनाल में हर साल हरे हरे रंग का पूरा एक मैट सी डेवलप हो जाती है ना, एक आम इंसान को शायद लगेगा घास लगी, नीचे पानी भी नहीं है। तो ये पूरी वाटर बॉडी को क्लॉक करता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है सुनिए, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये वाटर बॉडी की सारी ऑक्सीजन को क्या करता है, ड्रेन कर लेता है। अब आप कहोगे ऑक्सीजन ले लेके इसमें बुराई क्या, बुराई ये है बेटा कि पानी के नीचे भी तो एक इकोसिस्टम चल रहा है और वहां बहुत सारी फिश हैं और बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, क्या उन्हें ऑक्सीजन ही चाहिए? उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई ये कट करके सारी ऑक्सीजन खुद ड्रेन कर लेगा, जिसकी वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम को इसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये दुनिया का बड़े लेवल पे प्रॉब्लमेटिक वीड है, इसीलिए इसके बारे में बहुत कुछ आगे भी आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल ऑफसेट का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वाटर हाइसेंथ, ये इसका इंग्लिश नेम है और इसका साइंटिफिक नेम है आइकॉर्निया। हमारे इंडिया में इसकी जो स्पीशीज है वो है क्रेसिपिस, आइकॉर्निया क्रेसिपिस, लेकिन स्पीशीज से आपको कोई मतलब नहीं है, सिंपली आप इसका जीनस याद रखिएगा आइकॉर्निया। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर हमारा एग्जाम्पल पूरा होता है कौन सा, रनर्स, ठीक है। रनर के बाद अब हम आ जाते हैं किस पर, अब हम आ जाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की वैरायटी। हमारी पूरी मतलब स्टेम की हमारे पास तीन वैरायटी थी, एक अंडरग्राउंड, एक क्रीपर, क्रीपर पूरे होते हैं, अब एक और स्टेम रहता है एरियल। एरियल का बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर तो अब हम आ जाते हैं अपने एरियल पोर्शन पर। तो एरियल सिर्फ एक ही है, फटाफट उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एरियल में हम कुछ इस तरीके से, आपने कैक्टस देखे होंगे, कैक्टस प्लांट, इन पर ब्रिसल्स होते हैं, कांटे लगे होते हैं, इस तरह के ब्रिसल्स होते हैं इसके ऊपर। इसमें होता क्या है, एक प्लांट का पार्ट डिटैच हुआ, डिटैच होके ग्राउंड पर फॉल हुआ, यहीं से जर्मिनेशन के बाद एक नया प्लांट पार्ट डेवलप हो जाता है, एक नया प्लांट यहां से डेवलप हो जाता है। समझ में आ रही है ना बात आपको? तो ये है एरियल स्टेम का एग्जाम्पल। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुई बात। अभी लास्ट में जितना कुछ हमने पढ़ा उसका हम एग्जाम्पल एक कॉमन डायग्राम से देखेंगे। कुछ डायग्राम हमारे एनसीईआरटी के हैं और कुछ डायग्राम हमारे रियल पिक्स हैं, जो हम इनकी केस स्टडी को जानेंगे। जो सबसे एक्चुअली होता क्या है बच्चों, कि जो प्लांट्स और एनिमल्स आपने सिर्फ बुकिश नॉलेज के तौर पर पढ़े हैं, वो सिर्फ आप रट तो सकते हो बट समझ नहीं सकते हो। बायोलॉजी में क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कि कोई चीज़ अगर आप पिक्टोरियल व्यू के साथ देखते हो और उसके ओरिजिनल हैबिटेट में अगर किसी प्लांट और एनिमल को देख लेते हो, तो बेटा मेरी गारंटी है लाइफ में सब कुछ भूल जाओगे, उसको नहीं भूल सकते। इसलिए कोशिश करो किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक जानने की कोशिश करो, सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ने की कोशिश ना करो। जो चीज़ें थियोरी में पढ़ी जाएंगी दिमाग तक
रटने के तौर पर ही रहेंगी, लेकिन अगर उसे लाइफ टाइम कंजर्व करना है अपने ब्रेन में तो उसके लिए ज़रूरी है इसकी रियलिस्टिक इमेज देखो। तो उसी का कुछ कोशिश की गई है, फटाफट देख लेते हैं, क्लास को एंड करते हैं। ये है एनसीईआरटी का एक डायग्राम, फटाफट आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आप आपके सामने क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, क्वेश्चन ये बनेगा आपके सामने कुछ डायग्राम दिए हुए और इन डायग्राम्स में आपको मेंशन करना है कि इनमें वेजिटेटिव किसके किस इन जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल किसके थ्रू हो रहा है। तो आप याद रखिएगा ये एग्जाम्पल हमारा पोटैटो ट्यूबर का है, तो ट्यूबर के थ्रू पोटैटो में। ये एग्जाम्पल जिंजर है, किसके थ्रू होता है, राइजोम के थ्रू। एक चीज हमारी यहां मेंशन करते हैं हम इसे, ये तो ये तो हमारा ट्यूबर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। जिंजर, जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होगा, राइजोम के थ्रू होगा। ये हमारा एग्जाम्पल है बुलबिल का, बुलबिल। बुलबिल क्या होती है याद रखिएगा, बुलबिल सार फ्लैशी बर्ड्स प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स इन सर्टेन प्लांट्स, ठीक है। ये बर्ड्स एक्सिलरी बर्ड की जगह पर प्रेजेंट होती हैं। एक्सिलरी बर्ड्स आपको पता है लीफ के एक्सिल पर कॉर्नर पर एक जो बर्ड मिलेगी उसे हम एक्सिलरी बर्ड पलेंगे, और उन बर्ड्स की जगह पर कुछ प्लांट्स में फ्लैशी बर्ड्स मिलती हैं। उन फ्लैशी बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, बुलबिल्स बोलते हैं। उन बुलबिल्स जब भी डिटैच होकर ग्राउंड पर फॉल करती हैं, वो इनसे जर्मिनेशन के बाद एक नया प्लांट बनता है। बुलबिल्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगेन में देखो एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है। तो हमेशा अगर पूछा जाए डायग्राम के किस इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस प्लांट में होता है, अगेव। ये बेटा एग्जाम्पल दिया गया है लीफ के थ्रू, और लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल किसका है, ब्रायोफिल्लम। ये आपके सामने एक ऑफसेट दिया गया है, और ऑफसेट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये दिया गया है वाटर हाइसिंथ, या जिसे हम और बोलते हैं आई कॉर्निया। इस आई कॉर्निया को थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, समझिए इस बात को। ये है वो प्लांट जो आपने रियलिस्टिक तरीके से कभी देखा है, और ऐसा आपने देखा जितने रुड़की में और या और जगह भी कभी रहते हैं लोग, तो आपने देखा होगा वाटर बॉडी पे पूरा क्लॉक कर देता है इस तरीके से ये प्लांट। और देखिए कितने अट्रैक्टिव, इसको मैंने क्लोजअप व्यू भी लिया है जिससे आप देख पाए लीव्स कितनी ब्यूटीफुल और फ्लैशी है, कितनी अपीलिंग है, और फ्लावर देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और इसके इसी अपीलिंग फीचर की वजह से इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे बंगाल टेरर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इसे हम बंगाल टेरर के नाम से भी जानते हैं। इसको आप ये चीज नोट कर सकते हैं यहां पर, इसे हम और बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, इसका नाम है टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले ही बंगाल में ही लाया गया था, और इसने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बंगाल के इकोसिस्टम पे खड़ी करी थी, और उसके बाद फिर ये पूरे इंडिया में फैल गया था, तो ये टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पर्पलिश फ्लावर्स होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने अभी बताई आपको, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है, पूरी वाटर बॉडी को क्लॉक करता है, पूरी वाटर बॉडी का ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है, जिससे कि लोअर स्ट्रेटा के जो एनिमल्स हैं उनको उनकी मॉर्टेलिटी यानी उनकी डेथ कॉज करता है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल के साथ आपको बात बताएंगे। ये प्लांट आप सब देख पा रहे हैं, ये प्लांट है ड्रायोफिल्लम, जिसे हमने अभी एनसीईआरटी की डायग्राम पर देखा था। ये रियलिस्टिक इमेजेस की हम देख रहे हैं, और मुझे लगता है शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप लीफ मार्जिन पर, ये देख रहे हो छोटे छोटे क्या है बेटा, ये है प्लांटलेट्स जो प्लांट बनने भी शुरू हो गए, और ये लीफ जब पूरी नीचे ग्राउंड पे गिरेगी हर प्लांटलेट एक पूरा प्लांट में डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको, ये पूरी की पूरी एक इमेज है जो आपको बहुत क्लियर कट दिखा रही है। ये ब्रायोफिल्लम है, ब्रायोफिल्लम को हम आम भाषा में अजूबा या पत्थर चटा कई नामों से जानते हैं। और लास्ट डायग्राम के साथ बात पूरी कर दें, ये हमारा एक रियलिस्टिक इमेज है पोटैटो ट्यूबर की, जब इसमें स्प्राउटिंग होती है एट द टाइम ऑफ स्प्राउटिंग। और आपने देखा जहां जहां इसमें स्प्राउटिंग हो रही है, जानते हैं क्या है, ये हिस्सा है बच्चों, ये या जहां जहां पर भी ये स्प्राउटिंग हुई भी, ये हम कहेंगे इनको, ये कभी को थी पोटैटो आइस, बट अब इनमें क्या बन गई है, बट्स। स्प्राउटिंग के बाद
इन पर बर्ड्स आती हैं। बर्ड्स कहाँ डेवलप होती हैं? नोड्स पर। इसीलिए हम कहते हैं कि पोटैटो वाइज किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। हमारा आर्टिफिशियल पोर्शन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का आर्टिफिशियल मेथड है वो हमारा रहता है, अगले लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय।